सो हाई गाइज़ वेलकम टू माई चैनल टू वर्ल्ड एंड आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ मैं जहाँ भी जा रही हूँ बहुत खूबसूरत जगह पे जा रही हूँ तो मैं खुद पहली बार जा रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी साथ लेते चलूँ क्योंकि आई आई नो ये बहुत लोगों को ये प्लेस पता नहीं होगा रांची में तो जैसे कि मैं वहाँ पहुँच गई थी मैं आपको बता रही थी गाइज की बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा एंड आई वॉज़ लाइक कहाँ मैं आ गई ये तो मेरे को फॉरन वाला फीलिंग दे दिया तो फिर हम जा रहे थे तो मैंने आपके लिए राची स्टेडियम का मैंने आउटर व्यू आपके लिए थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया जो कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे एंड वो प्लेस बहुत अच्छा है पता नहीं क्यों जाने से रॉयल रॉयल वाला फीलिंग आ रहा था तो हम अपने डेस्टिनेशन के ओर बढ़ रहे थे तो थोड़ा सब्र गाइस इतना जल्दी मैं कैसे बता दूँ मैं कहाँ गई थी बट वेट uh, आपकी इंतज़ार ख़त्म होने को है तो चलिए मेरे साथ तो so गाइज जैसे कि हम अपने डेस्टिनेशंस की तरफ पहुंच गए एंड दिस इज द मेन एंट्री गेट ऑफ रांची स्टेडियम और जहां पे हम जाने वाले उसकी भी यही एंट्री है गाइज पहले तो हम कन्फ्यूज़ हो गए थे कि इसके अंदर है फिर हमने पता किया कि नहीं इसके अंदर ही है तो आप भी आई थिंक बहुत एक्साइटेड होंगे अंदर देखने के लिए क्या है नहीं है मैंने आपके लिए जितना पॉसिबल हुआ मैंने शूट किया है तो पहले आपको कार जो भी आप व्हीकल वो पार्किंग नंबर आपको वहाँ नोट डाउन करना पड़ता है फिर आपको अपना नंबर वगैरह नोट डाउन करना पड़ता है फिर आप अंदर की एंट्री अलाउ होती है एंड कहीं अंदर जाने के बाद मेरे को इतना अच्छा लग रहा था इतना अच्छा लग रहा था लाइक मूड फ्रेश हो गया जैसे कि आप देख ही सकते हो व्यूज़ कितना अच्छा था एंड एवरीवेयर ग्रीनरी थी तो बस आप इंजॉय करो ये व्यूज़ फिर मैं आपसे मिलती हूँ सो so गाइज ये रहा हमारा डेस्टिनेशन गेस गाइज तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड आप देखो कितना अच्छा क्लीन नीट मेंटेनेंस बहुत अच्छा था एंड हमारे ऑपोजिट साइड मिड विकेट कैफे मिड विकेट उसके अंदर दो तीन कैफेज़ थी बट हमें ऑपोजिट साइड जाना था तो मैं रिविल अप कर ही देती हूँ मैं गई थी अप टाउन कैफे तो मैं बोल रही हूँ गाइज़ वेलकम टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना एंड मैं आपको दिखा रही हूँ इतना अच्छा इन्वायरमेंट लाइक like, uh, पूरा फॉरेन वाला फीलिंग दे रहा था लग रहा था कि मैं शिमला वगैरह में नहीं हूँ लंदन वगैरह में ओपन रेस्टोरेंट्स कैफे हो रहते हैं वैसे वाला फील आ रहा था हल्के हल्के धूप एंड ग्रीनरी एवरीवेयर एंड बड़ा अच्छा फ्रेश मूड था तो मैं आपको बोलूँगी लंदन वाला मज़ा अगर लेना हो तो आप यहाँ जा सकते हैं या शिमला वाला या नेपाल वाला ऐसे ओपन रेस्टोरेंट्स में बहुत अच्छा है गाइस एंड हम सब थोड़े बहुत फोटोशूट भी कर रहे थे मैं आपको पूरा अंदर का तो दिखाऊंगी कि क्या है कैसे है मैं आपके लिए बहुत सारा शूट की मैं खुद एक्साइटेड थी ये वीडियो पोस्ट करने के लिए क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए ताकि अब आप भी आओ तो विदाउट एनी कन्फ्यूजन तो ये रहे कुछ मेनू मेनू का तो मैं क्या बताऊँ मेनू वॉज़ वेरी रिजनेबल गाइज मतलब ये पॉकेट फ्रेंडली मेनू मेनू है अब आप बस आपको जो जाने में लगेगा क्योंकि ये धुरवा साइड है तो थोड़ा सा मे भी डिस्टेंस हो सकता है आपको तो यहाँ पे हम ऑर्डर करते हुए एंड इतने रिजनेबल बजट में हमने इतना खाया कि लाइक वी वे वेरी मच सेटिस्फाइड तो हमने कुछ कुछ ऑर्डर कर लिया था एंड फूड रिव्यू अगर आप मांगते हो मे से तो मैं आपको जेनविनली बोलती हो ये जो पिज़्ज़ा आप देख रहे हो ना ये टू फिफ्टी ये गोलगप्पे ओनली थर्टी रुपीज़ के हैं इतने टेस्टी इतने यम है और ये ऑरेंज औरज ओनली सेवेंटी रुपीज़ गाइस तो आप सोच लो कितनी पॉकेट फ्रेंडली एंड रिजनेबल है और ये जो गार्लिक चिकन है इसकी भी प्राइस टू फिफ्टी थी गाइस बट इट वॉज सो यम माउथ वाटरिंग कि मैं आई थिंक मैं आपको बोल के आपके मुंह में पानी ला दे रही हूँ मैं तो बहुत इन्जॉय की इस जगह को इस जगह का नाम द अपटाउन कैफे है ये जो कि रांची स्टेडियम के अंदर पे है तो मैं तो श्योरली आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ज़रूर विजिट करें इस जगह को एंड आप खुद वो फील लोगे कि यार फॉरन वाला मज़ा हमें रांची में मिल गया एंड ये बहुत अच्छा जगह था गाइस तो ये रहा हमारा खाने पीने का जो भी मैं दिखा रही हूँ एंड खाना भी लो बजट में ऐसा नहीं कि खाना खराब नहीं था बहुत अच्छा था मतलब बजट फ्रेंडली के ऊपर खाने के टेस्ट एंड क्वालिटी भी बहुत मेंटेन था एंड गोलगप्पे वॉज आल्सो टेस्टी मैं बता नहीं सकती मैंने जितने फूड ट्राई किए ऑल वेरी गुड टेस्टी एंड मेंटेन विद हाईजीन एंड लास्ट नॉट द लीस्ट का इज ब्राउन विथ आइसक्रीम ये भी बहुत ही था यह तो डिजर्ट था खैर हमारा ये भी वन कुछ कॉस्ट है इसका एंड जैसे कि देख रहे हो मैं खाने में कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ सो गाइज़ ये मैंने आपके लिए एक सराउंडिंग सा मैंने कैप्चर किया मतलब मैं बहुत खुश थी वहाँ पे जाके इतना अच्छा इन्वायरमेंट था मूड रिफ्रेशिंग अप टाउन कैफे के ठीक अपोजिट साइड आपको ये मिड विकेट मिलेगा एंड बहुत अच्छा इन्वायरमेंट उनका इंटीरियर भी इतना अच्छा था जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ आप देखो ऐसा कुछ आपको एंट्रेंस मिलेगा एंड अंदर का आप फिर पूरा व्यू इन्जॉय करो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी गाइज आपने भी आई थिंक पूरा टूर कर लिया है एंड इतना अच्छा था गाइज आप प्लीज़ विजिट करना इस प्लेस को पॉकेट फ्रेंडली है इसलिए मैं बोल रही हूँ इतना हाई बजट भी नहीं है एंड एनवायरनमेंट आप श्योरली बहुत इन्जॉय करोगे एंड पार्किंग की टेंशन मत लो गाइज़ पार्किंग एरिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ एंड यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था तो ये पार्किंग एरिया है आप कार कुछ पार्किंग की भी यहाँ टेंशन ही ऐसा नहीं कि आप पार्किंग नहीं कर सकते हो सो so, मैंने आपको पार्किंग एरिया भी मैंने पूरा दिखा दिया एंड यहाँ पे ना कुछ बच्चे प्रैक्टिसज कर रहे थे और फील्ड में स्टेडियम के फील्ड में भी प्रैक्टिसेस चल रहे थे अंडर नाइनटीन का एंड यहाँ पर भी कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने मैं आई वॉज वॉचिंग मतलब मैं उनको देख रही थी तो मैंने सोचा चलो इनका भी एक पार्ट मैं शूट कर लेती हूँ तो बस मुझसे जितना पॉसिबल हुआ मैंने आपके लिए कवर किया एंड दिस इज